आदिवासी संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर में आंदोलन किया। इसी कड़ी में दुर्गापुर शहर के डीवीसी मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं रानीगंज ब्लॉक के बीडीओ को रानीगंज समन्वय समिति की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार को आदिवासी संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर में आंदोलन किया। कहीं सड़क जाम किया गया तो कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ दुर्गापुर शहर के डीवीसी मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने सड़क जाम किया। आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा मांगे पूरी नहीं होने पर और जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी। उनके आंदोलन के कारण थोड़ी देर तक नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आदिवासी संगठन के सदस्यों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। आदिवासी संगठन के सदस्यों ने बताया कि अविलंब पृथक संथाली भाषा बोर्ड का गठन करने, संथाली माध्यम स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, प्रत्येक जिले में संथाली माध्यम कॉलेज स्थापित करने और बंद पड़े आदिवासी हॉस्टलों को फिर से चालू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य भर में फर्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र रद्द करने, आदिवासियों के श्मशान के लिए जमीन का पट्टा प्रदान करने, वन अधिकारी कानून 2006 को कठोर रूप से लागू करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब एवं जरूरतमंद आदिवासियों को आवास उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। जगत माझी पारखाना महल पश्चिम बंग राज्य कमिटी तरफ थे सकाल छटा थे सन्दे छटा पर्यंत जे रास्ता अवरोध पद अवरोधर जे कर्मसूची ग्रहण करा हुई आज के तार कर्मसूची दिन आज के आमरा विभिन्न दाबी दफा निये प्रथमे आमादेर आदिवासीर विभिन्न ज्वलंत समस्या एई होच्छे सांताली शिक्षार प्रपार जाते चालू है तार जन्य सांताली एडुकेशन बोर्ड तार साथे एससी एसटी जे फेक एससी एसटी सर्टिफिकेट तैरी होच्छे तार प्रतिबाद तार साथे जे डब्ल्यूबी एससी एसटी जे अमेंडमेंट बिलटा पश्चिमबंगे जेटा पास करा हुएछे सेई प्रतिबाद तार साथे फरेस्ट डिपार्टमेंट जे 2006 फरेस्ट एक्ट आईन आछे एवं तार साथे जे आदिवासी छात्रावासगुलो आछे सेगुलो चालुर विभिन्न दफा दाबीगुली निये आजके आमरा रास्ता अवरोधे आमरा नेमेछि। वहीं दूसरी ओर रानीगंज में भी आदिवासी समन्वय समिति की तरफ से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर रानीगंज ब्लॉक के वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ अभिक बैनर्जी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं बीडीओ अभिक बैनर्जी ने कहा कि उनके समक्ष जो मांगे प्रस्तुत की गई है उसे जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल वाशकी, सचिव धीरज हेमब्रम, मनोज हेमब्रम, विजय मुर्मू व संजय हेमब्रम समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन, घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।